दादरा नगर हवेली में मुस्लिम बिरादरों द्वारा रमजान मास में रोजा राखवामां आव्या छे। हाल में कोरोना की महामारी ने कारण प्रशासन द्वारा अपायेल गाइडलाइन मुजब मस्जिदों में नमाज अदा करवाने बदले पोतपोताना घरे ज नमाज अदा कर्या बाद इफ्तियारी करी रोजा छोड़वामां आव्या हता। आ रमजान छ महीना में छ वर्षनी बाळकी नाज अने नैन पण रोजा राख्या हता। ये आज पूरे देश के अंदर पहला तो हमारे हिंदू समाज का चैत्र मास का जो उपवास चल रहा है उसका पहला दिन है, दूसरा दिन है, आज उसका तीसरा दिन है। साथ साथ में आज से हमारा रमजान का पहला रोज़ा आज अमल में आया है। ये पूरे देश में ये त्यौहार मनाया जाता है। जो तमाम मुसलमान कौम आज के दिन यानी इस महीने के अंदर रमज़ान का पूरा महीना रोज़ा रखती है, मशक्क़त करती है और खुशी मनाती है। मगर इस वक्त ऐसा माहौल आया है कि जो पूरे दुनिया के अंदर कोरोना फैला हुआ है, जिसकी महामारी की वजह से हमारे देश के अंदर भी इसका बहुत कुछ ज़ोर शोर से चल रहा है कोरोना। इस हमारे दादरा नगर के अंदर भी मैंने सुना हूँ, पेपर में पढ़ा हूँ आज के 300 के ऊपर आज का आंकड़ा चले गया और इकहत्तर तो अस्तित्व में आए हैं। तो उसके लिए भी हम दुआ करेंगे और पूरे देश के लिए दुआ करेंगे कि इस महामारी से तमाम कौम को, तमाम जहान को बचाए और हमारे देश को एक नामो निशान के अंदर, एक दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम रहे कि हमारी कौमी एकता भाईचारा यहाँ बरकरार रहे, यही कहना चाहता हूँ। और इस रमजान महीने के अंदर और तमाम से यही कहूँगा कि अपनी हिफाजत करें, लोगों की भी हिफाजत करें, साथ में सबका ख्याल रखें और आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, यही इसी में तमन्ना रखता हूँ। आज हमारे पूरी दुनिया में, आज हमारे पूरे इंडिया में रमजान महीना हमारा चालू हुआ है और सारी कौम इस रमजान मुबारक की मुझे इफ्तार करेंगे। आज रात खुशी रही है, अभी इफ्तार होगी। बस दुख किसी बात का है कि आज जो महामारी चल रही है, बीमारी चल रही है, मालिक इस रमज़ान के महीने में इस बीमारी को दूर करे और तमाम रोज़ा रखने वाले के सदक़े में, तमाम रोज़दारों की दुआ के सदक़े में अल्लाह इस बीमारी को दूर अता फरमावे। और आज जो महामारी है, जो बीमारी है, खुशी तो बहुत है, इस रमज़ान मुबारक की खुशी बहुत है, लेकिन वक्त ऐसा आ गया है, माहौल ऐसा आ गया है, परेशानी ऐसी आ गई है कि हम खुशी जाहिर भी नहीं कर सकते और किसी को बता भी नहीं सकते। बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह मालिक तू इस बीमारी को दूर अता फरमावे और तमाम जान की हिफाजत अता फरमावे, तमाम इंसानियत को बचावे, तमाम लोगों को बचावे। और आज जो जहाँ इस महामारी के लिए जहाँ जो खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं बीमारी के लिए, कोई बीमारी है, परेशान हाल में, परेशानी तकलीफ़ में, जहाँ जहाँ जो भी खिदमत दे रहे, तमाम खिदमत को मालिक कामयाब अता फरमावे। बस मैं यही दुआ करता हूँ और आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे इस रमज़ान के महीने में मालिक तमामों की दुआ को कबूल अता फरमावे। बस यही कहना चाहता हूँ और इससे आगे मैं कुछ कह नहीं सकता।